नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव आई सिनेमा आज आपके सामने फिर प्रस्तुत है एक प्रेरणादायक कहानी लेकर। यह वाक्या उस समय का है जब भगवान बुद्ध इस धरती पर अवतरित थे। एक व्यक्ति जिसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी और वह जीवन में अत्यंत सुखी था, क्योंकि उसके पास संपन्न होने के लिए सभी चीजें थी। उसके पास एक अच्छी पत्नी थी, उसके दो सुपुत्र थे जिनके लक्षण राम लक्ष्मण से बिल्कुल मिलते जुलते थे, वह सभी आज्ञाओं का पालन करते थे। कुल मिलाकर उसके पास सब कुछ था, परंतु जब कभी भी वो व्यक्ति अकेले में बैठता उसे किसी न किसी चीज की कमी खलती। बहुत चिंतन करने के बाद उसके मन में एक विचार आया कि मैंने अपने इस जीवन में सभी चीजों को हासिल कर लिया, लेकिन आज तक मैंने कभी भी भगवान के दर्शन नहीं किए। इसी बात को उसने दिमाग में लेकर ईश्वर को खोजने की ठानी। इसी तारतम्य में उसने बहुत सारे मंदिरों धर्म स्थलों का निर्माण कराया ताकि उसे ईश्वर के दर्शन हो सके, लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई। फिर उसने दान पुण्य का काम करना शुरू किया। उसने अपने खजाने से बहुत सारा धन लोगों को दान पुण्य में देने के लिए लगा दिया, उसके बावजूद उसे ईश्वर नहीं मिले। फिर किसी के सलाह पर उसने बड़े बड़े तीर्थ स्थानों के दर्शन किए। वह कई सौ किलोमीटर पैदल चला जाता भगवान की तलाश में, लेकिन उसे सफलता हासिल नहीं हुई। इसी प्रकार से उसके जीवन के 20 साल और गुजर गए ईश्वर की तलाश में। भगवान को पाने की कोशिश करते करते वह इंसान थक चुका था। आखिरकार वह एक दिन महात्मा बुद्ध के पास पहुंच गया और कहने लगा, महात्मा मैं 20 सालों से ईश्वर की खोज कर रहा हूं, लेकिन वह आज तक मुझे कहीं नहीं मिले। उस व्यक्ति की बातें सुनकर महात्मा बुद्ध ने उससे पूछा कि बालक, तुमने कहां कहां ईश्वर की खोज की? उस व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध को अपनी जीवन की और पिछले 20 सालों की हर एक दास्तान से उनको अवगत कराया। उसने बताया, मैंने बहुत दान पुण्य किया, मैंने कई धार्मिक स्थलों का निर्माण करवाया, मैंने कई धार्मिक स्थलों की यात्रा की, उसके बावजूद मुझे ईश्वर की प्राप्ति और उनके दर्शन नहीं हो पाए। महात्मा बुद्ध उसकी बात सुनकर बहुत जम के हंसने लगते हैं और कहते हैं, तुम्हें ईश्वर के दर्शन करने हैं ना, तुम शाम के वक्त मेरे पास आ जाना, तुम्हें ईश्वर मिल जाएंगे। वह सज्जन अत्यधिक खुश हो जाता है महात्मा बुद्ध की बात सुनकर। फिर कुछ देर बाद संध्या हो जाती है और महात्मा बुद्ध संध्या होने के पहले ही अपने शिष्यों को कहते हैं कि मेरा एक कीमती मोती खो गया है, मुझे उसे खोजना है। महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य और कुटिया में बैठे हुए सभी अनुयायी उस मोती को खोजने में लग जाते हैं। इसी दौरान वह व्यक्ति भी कुटिया के भीतर प्रवेश करता है और देखता है कि महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य कुटिया के बाहर कुछ ढूंढ रहे हैं। वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास जाता है और देखता है कि महात्मा बुद्ध कुछ परेशान से लग रहे हैं। वह उनसे पूछता है कि गुरुजी, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? गौतम बुद्ध उनको कहते हैं कि मेरा एक कीमती मोती खो गया है, यदि आप उसको ढूंढने में मेरी मदद कर पाए तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। महात्मा बुद्ध और सभी अनुयायी और वह व्यक्ति कई घंटों तक उस मोती की तलाश करते रहते हैं, लेकिन उन्हें सफलता हासिल नहीं होती है। कई घंटे बीत जाने के बाद वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध से पूछता है, गुरुजी, आपने अपना मोती अंतिम बार कहां देखा था? महात्मा बुद्ध उसको कहते हैं, मैंने अंतिम बार वह मोती कुटिया के अंदर देखा था। इतनी बात सुनते ही वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के ऊपर नाराज हो जाता है और कहता है कि आपने हमारा, अपना और सभी शिष्यों का इतना समय व्यर्थ किया, हम पिछले कई घंटों से मोती की तलाश कुटिया के बाहर कर रहे हैं
और आपका कहना है कि आपने अंतिम बार मोती कुटिया के भीतर देखा था। आपको आपका मोती सबसे पहले कुटिया के अंदर खोजना था, जो कि निश्चित तौर पे आपको वहां मिल जाता। इतनी बात सुनते ही गौतम बुद्ध मुस्कुराने लगते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं कि मैं पुत्र तुम्हें यही बात तो समझाना चाहता हूँ, जिस ईश्वर को तुम इस भौतिक दुनिया में खोज रहे हो वह तो तुम्हारे शरीर की भीतर की कुटिया में ही मौजूद है। तुमने कभी भी उनको अपने भीतर खोजने की कोशिश ही नहीं की। दोस्तों, ये कहानी आपको एक बहुत ही सुंदर संदेश देती है कि हम जीवन भर भौतिक सुख सुविधाओं में अपनी खुशी की तलाश करते रहते हैं, कई मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारों के चक्कर काटते रहते हैं कि हमें कभी ना कभी ईश्वर के दर्शन होंगे और हमें असीम खुशी की प्राप्ति होगी, लेकिन हमें वह कभी नहीं मिलती, क्योंकि गौतम बुद्ध ने कहा है कि ईश्वर हर इंसान के भीतर ही होता है, लेकिन इंसान कभी भी उसको खोजने की और अपने आप को पहचानने की कोशिश ही नहीं करता। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस वंडरफुल स्टोरी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको महात्मा बुद्ध की ये कहानी प्रेरित करेगी और आप अपनी खुशियों को और ईश्वर के वास्तविक दर्शन के लिए अपने अंतर्मन में झांकना शुरू करेंगे।